हमारे पास फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और उसका हमारे पास जो वेवलेंथ है कितना है 400 नैनोमीटर तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास फोटॉन्स आ रहे होंगे इस फोटोन का वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर तो अभी इसको नैनोमीटर में ही रखते हैं यहाँ पे जो ये इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी मान लेता हूँ ई है ठीक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया सॉरी फोटोन आके इस पर गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जिस काइनेटिक एनर्जी से इजेक्टेड होता है उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसकी वैल्यू हमें गिवन है वन पॉइंट सिक्स नाइन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इट मीनस इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा रहा है तो इस इसपे जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है इस मेटल जो हमारे पास है उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा रही होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है मान लेता हूँ जो हमारे पास सरफेस था इसका जो वर्क फंक्शन है कितना है फाइव तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो इंसिडेंट फोटोन की टोटल एनर्जी होती है इक्वल्स टू क्या होता है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी हमारे पास फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है पहला एक मेटल के वर्क फंक्शन में प्लस जो एनर्जी बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है अब यहां से देखो अगर मैं जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन था उसका एनर्जी गिवन है तो उसकी जो हो to, हमें, निकालना था, हमें है किसमें गिवन है इलेक्ट्रॉन बोल्ट में इट मीन जो ये इंसिडेंट फोटोन है, है? उसकी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन बोल्ट में रखनी पड़ेगी तो एच सी की वैल्यू होती है बारह चालीस वन टू फोर जीरो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो एच की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू माइनस

ये आ गया हमारे पास माइनस यहाँ पे मैं कैनेटिक एनर्जी कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा फाइव जो इस मेटल सरफेस था उसका वर्क फंक्शन तो फाइव टू ये कितना वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास देखो फोर हंड्रेड किस में है इलेक्ट्रॉन बोल्ट में जो वैल्यू है देखो किस आई है इलेक्ट्रॉन बोल्ट माइनस कानेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन बोल्ट में गिवन है वन तो आ जाएगा वन तो इस सर्फेस का जो वर्क फंक्शन आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन बोल्ट में आएगा सॉल्व कर लो वैल्यू मिल जाएगी ये वैल्यू हमारे पास आ रही है थ्री